हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूँ सृष्टि खेड़ा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही फेमस और नो डेस्टिनेशन के बारे में फॉर एमबीबीएस, व्हिच इज़ एमबीबीएस इन रशिया इस वीडियो में हम एंड टू एंड सब कुछ बात करेंगे अबाउट एमबीबीएस इन रशिया सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड Before I go ahead in the video, मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ क्योंकि रशिया में क्या है ना कि बहुत सारे बजट बजट की, की बहुत ही वेरिएबल यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वट इज योर बजट फॉर एमबीबीएस इन रशिया आपका बजट क्या है एम बी बी एस रशिया के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आई होप कि आप सबने कमेंट कर दिया होगा वो है छर्स डे पहले के तीन साल होते हैं इट इज मेनली थोड़ी पार्ट लाइक सेवेंटी परसेंट थ्योरी एंड थर्टी परसेंट प्रैक्टिकल एंड देन टॉकिंग अबाउट द लास्ट थ्री इयर्स इट इज सेवेंटी परसेंट ऑफ क्लिनिकल रोटेशन एंड थर्टी परसेंट ऑफ थ्योरी मतलब कि जो रशिया का जो करिकुलम है इट प्रोवाइड्स यू विद द राइट मिक्स ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल तो एक अच्छा आउटपुट आपको मिलने वाला है स्पेशली डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे प्रैक्टिकल का राइट right मिक्स में होना राइट right क्वांटिटी में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है सो रशिया प्रोवाइड्स यू विद दैट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटीज के बारे में रशिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल हैं क्योंकि आप सबने देखा ही होगा वर्ल्ड मैप पे कि रशिया का एरिया जो है वो कितना बड़ा है रशिया काफी बड़ा है जिसकी वजह से बहुत सारी स्टेट्स हैं और ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स में अच्छी अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है जो इंडियन स्टूडेंट्स को एडमिशन देती हैं मोस्टली जब भी हम रशिया के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है मॉस्को क्योंकि हमने शायद सुना ही वही है और हमने यू you नो know, हमेशा बात ही रशिया में मॉस्को के बारे में करी है बट मॉस्को इज नॉट द ओनली प्लेस वहाँ पर बहुत सारी स्टेट्स हैं बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जो मॉस्को के अलावा दूसरी स्टेट्स में भी हैं यू you नो know, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि मुझे मॉस्को ही जाना है फॉर दो स्टूडेंट लेट मी टेल यू कि मॉस्को का जो बजट है वो बहुत ही ज्यादा है अगर आप मॉस्को के अलावा उसके आस पास की स्टेट्स में जाएंगे तो आपको सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगी कम बजट में क्योंकि मॉस्को का लिविंग स्टैंडर्ड और जो लिविंग प्राइस है वो ही बहुत ज्यादा है जब हम बात कर रहे हैं बजट के बारे में तो अगर मैं एम इन रशिया के बजट की बात करूँ इट स्टार्ट फ्रॉम एज लो एज ट्वेंटी टू एंड इट गोज एज हाई एज सेवेंटी लैक्स मतलब कि इतना वेरिएबल बजट है रशिया में अगर मैं बात कर रही हूँ ट्वेंटी टू लैक्स वाली यूनिवर्सिटी की तो उसमें जो 22 टू लैक्स है इट इंक्लूड्स योर ट्यूशन फीस योर हॉस्टल फीस योर मेडिकल इंश्योरेंस योर वीजा एक्सटेंशन एवरी मैं सब कुछ इंक्लूड करके बात कर रही हूँ और ये जो बजट है ऐसा नहीं है कि ये सारा का सारा पैसा आपको एक ही बारी में देना है यू विल बी पेइंग इन सिक्स ईयरली इंस्टॉलमेंट्स यू नो बहुत सारी फर्म्स या कंपनीज हो सकती हैं आपको बोले कि यू नो इफ यू पे कंप्लीट कॉस्ट इन फर्स्ट इको इतना इतना डिस्काउंट मिलेगा समथिंग लाइक दैट फॉर एग्जाम्पल पूरा कोर्स ट्वेंटी है बट इफ यू पेक्स इन दन टाइम पेमेंट यू है डिस्काउंट ऑफ फाइव लैक्स तो मैं आपको कहूंगी यू हैव टू बी वेरी अलर्ट एट दिस पॉइंट देखो कोई भी यूनिवर्सिटी ना पूरे छे साल का पैसा एक साथ नहीं लेती है पेमेंट गोज ईयरली हॉस्टल की भी ट्यूशन फीस की भी और बाकी सब चीजों की भी ईयरली पेमेंट्स होती है तो ऐसा नहीं है कि कोई भी यूनिवर्सिटी पूरे छह साल का पैसा आपसे एक ही बार मांगेगी और इससे आपको एक नुकसान ये भी है कि आपने पूरा का पूरा पैसा पे कर दिया एक कंपनी को एक फॉर्म को एक कंसल्टेंसी को उसके बाद यू हैव नथिंग इन योर कंट्रोल आपके बच्चे के साथ जो भी होता है बच्चे अगर आप खुद देख रहे हैं यू आर स्टक यू नो आप उस चीज से बाहर ही नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आपने पूरा पैसा ऑलरेडी दे दिया है एंड द अदर थिंग अगर यू नो इन केस यू नो आपको पता ही है बहुत सारे फ्रॉड्स भी आज सर होते हैं हमने भी सुना है आपने भी सुना होगा तो अगर इन केस आई डोंट वॉन्ट दिस टू हैपन बट इन वर्स केस इन यू अगर ऐसा कुछ होता है यू लूज ऑन योर कंप्लीट मनी तो ऐसा पूरे छह साल का पैसा एक साथ देने का डिसीजन आप कभी भी ना लें रशिया में जो यूनिवर्सिटीज हैं वो इयरली चार्ज करती हैं वट एवर कंपनी से स्केल गिव यू दिस मच डिस्काउंट यू शुड नॉट फॉल इन दैट ट्रैप देखो अब हम बात कर रहे हैं कि बहुत ही वेरिएबल बजट्स हैं लाइक like बजट से तक लेकिन एक अच्छी जो यूनिवर्सिटी है वो आपको नियरली ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर लैक्स से थर्टी टू लैक्स तक की बीच के बजट की जो यूनिवर्सिटीज होंगी वो आपको बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी अगर अब हम बात करते हैं रशिया में रिव्यूज के बारे में बहुत ही मिक्स रिव्यूज होते हैं किसी भी जगह पे सब कुछ अच्छा है सब कुछ बुरा नहीं होता है अगर मैं रिव्यूज की बात करूं तो सबसे पहला जो रिव्यू आता है वो आता है अबाउट द वेदर ऑब्वियसली रशिया में बहुत ठंड होती है एंड अगर आप भी एम बी बी एस इन रशिया के बारे में सोच रहे हैं यू हैव टू मेक अप योर माइंड कि हाँ ठंड तो होने वाली है बट लेट मी टेल यू कि वहां पे ना चाहे वो हॉस्टल्स हों चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो एवर यू गो सब कुछ सेंट्रलाइज हीटेड होता है तो सच बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है बट हाँ जब आप बाहर जाते हैं तो है थोड़ा टाइम तो आपको ठंड में रहना ही पड़ता है बट यू हैव ऑल द स्नो जैकेट एंड एवरी अवेलेबल फॉर यू तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है सब बच्चे जाते हैं जो इल गोन बी यू नो थोड़ी सी आदत हो जाएगी आपको यूल्ट टू इट द सेकेंड रिव्यू दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज अबाउट एजुकेशन देखो जब हम इन रशिया चूज कर रहे हैं एट द एंड हमारा मेन मोटिव क्या है हमारा मोटिव है कि हमको अच्छी एजुकेशन मिले और जब हम वापस इंडिया में आए तो हम नेक्स्ट का एग्जाम क्लियर कर पाए देखो रशिया एक ऐसा ऑप्शन है जो सबसे पुराना ऑप्शन है जब भी एम बी बी एब्रॉड की बात होती है तो रशिया का नाम सबसे पहले आता है रीजन बींग क्योंकि रशिया एक ऐसा ऑप्शन है जो कि यू नो आपके फादर फॉर फादर्स ने भी सुना होगा और उनका भी कोई बैचमेट या फिर वो खुद जो है वहां से डॉक्टर की पढ़ाई करके आए होंगे रशिया इतना पुराना ऑप्शन है इफ आई टॉक अबाउट द इयर्स 30 से 35 साल हो चुके हैं रशिया की एमबीबीएस की एग्जिस्टेंस को फॉर इंडियन स्टूडेंट्स तो इंडियन स्टूडेंट तीस पैंतीस साल पहले भी रशिया से पढ़ रहे थे और आज भी पढ़ रहे हैं तो इफ इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन द एजुकेशन क्वालिटी इज वेरी गुड तभी इतने टाइम से डॉक्टर वहां से आ रहे हैं इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड दे आर गुड डॉक्टर्स नॉट टॉकिंग ऑन टू द थर्ड रिव्यू थर्ड रिव्यू जो आता है वो आता है हॉस्टल्स के बारे में अब हॉस्टल्स के बारे में दो तरह के रिव्यू आते हैं अच्छे भी और बुरे भी मैं आपको एक चीज बताती हूँ वहां पे हॉस्टल्स बहुत अच्छे बने हुए हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नीट एंड क्लीन हॉस्टल्स हैं और यूनिवर्सिटी के अपने हॉस्टल हैं अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें बुरा क्या है यू नो इट इज ऑल गुड लेकिन बुरा यह है कि कुछ एक यूनिवर्सिटी में लेट मी टेल यू ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है कुछ एक यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनके हॉस्टल यूनिवर्सिटी के अंदर ना होकर यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा दूर है एक होता है वॉकिंग डिस्टेंस पे दैट इज स्टिल एक्सेप्टेबल वो तो होगा ही होगा क्योंकि यूनिवर्सिटी का एरिया काफी बड़ा होता है बट कुछ एक हॉस्टल्स कुछ एक यूनिवर्सिटीज के हॉस्टल जो हैं वो थोड़ा ज्यादा दूर हैं जिसकी वजह से आपको ट्रैवलिंग कॉस्ट भी पड़ती है आपको टाइम भी लगता है तो जब आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हैं यू कैन कीप पॉइंटर। उसके बाद एक बहुत ही बड़ा रिव्यू पॉइंट नंबर फोर दैट इज अबाउट द फूड बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स को ये होता है कि ना वहां पे इंडियन फूड हर एक यूनिवर्सिटी में एज यू नो इंडियन मेस अवेलेबल नहीं है कुछ यूनिवर्सिटीज में इंडियन मैथ्स अवेलेबल है बट हर जगह पे नहीं है कुछ जगह पे तो टिफिन सिस्टम है जहाँ पे इंडियन फूड आपको तो एज ए टिफिन सिस्टम मिल जाता है कुछ जगह पे जो है वो सेल्फ कुकिंग वाली फैसिलिटी है सो वाइल चूजिंग योर यूनिवर्सिटी यू हैव टू मेक अप योर माइंड कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हैं वहाँ पे मैथ्स है या फिर आपको सेल्फ कुकिंग करनी है कि वट एवर इट इज वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं और एक बहुत ही बड़ा फीडबैक आता है रशिया के बारे में वो आता है अबाउट कोर्सेज इसकी गारंटी डिपेंड करती है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं कुछ एक यूनिवर्सिटीज पे ऐसी हैं जो आपको बायलैंगल कोर्स प्रोवाइड करती हैं जिसमें पहले के तीन साल तो इंग्लिश में पढ़ाई होती है लेकिन लास्ट के तीन साल आपकी रशियन में पढ़ाई होती है तो ये चीज आपको गौर करनी पड़ेगी कि जब आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें जिसमें पूरा करिकुलम इंग्लिश में पढ़ाया जाए ना कि आपको लास्ट के तीन साल रशियन में पढ़ाए जाए अब इसमें क्या है ना दो कैटेगरीज की यूनिवर्सिटीज है एक तो हो गई हो गई इंग्लिश लेकिन इंग्लिश में भी मैं आपको ये चीज बहुत ही क्लियरली बता रही हूँ जब भी आप किसी क्लिनिकल रोटेशन पे जाएंगे आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे वहां पे जो पेशेंट है वो रशियन ही बोलेगा या रशियन ही बोलेगी मोस्ट ऑफ द चांसेस यही हैं। तो इसीलिए आपको लोकल लैंग्वेज सीखनी तो पड़ेगी चाहे आपको फर्स्ट ईयर में आपको सिखाई जाती है उसमें सीखनी पड़ेगी और साथ साथ इम्प्लीमेंट भी करनी पड़ेगी अपनी डेली लाइफ में क्योंकि ऑब्वियसली है कि आपका पूरा कोर्स तो इंग्लिश में है बट क्या आप पेशेंट को फोर्स कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने के लिए यू कैन नॉट राइट तो इसीलिए आपको रशियन आनी भी जरूरी है और इनफैक्ट जो पूरा कोर्स इंग्लिश मीडियम में होगा उसमें भी ये चीज होगी कि क्लिनिकल रोटेशंस के टाइम पे पेशेंट्स हो सकता है कि रशियन बोलें। अब हम बात करते हैं कुछ एक अच्छी यूनिवर्सिटीज के बारे में फॉर एम बी बी एस इन रशिया ये जो यूनिवर्सिटीज हैं सबसे पहले मैं गाइड करती हूँ कजान फेडरल यूनिवर्सिटी को अच्छी यूनिवर्सिटी है इंग्लिश मीडियम आपको कोर्स मिल जाएगा एंड द बजट वुड बी नियरली थर्टी टू लैक्स इंक्लूसिव ऑफ एवरी उसके बाद आती है आपकी फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी वो भी फेडरल यूनिवर्सिटी है और बजट भी ऑलमोस्ट सेम है और ऑलमोस्ट सेम लेवल की यूनिवर्सिटी है बट कजान फेडरल इज स्लाइटली अ बेटर देन फार ईस्टर्न और एक और चीज़ है कि वहाँ पे ना एंट्रेंस टेस्ट होते हैं और सीट्स बहुत कम है सो मेक श्योर टू बुक योर सीट एज अर्ली एज पॉसिबल उसके बाद आता है आपके पास क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है इंग्लिश मीडियम है इंडियंस बहुत सारे हैं और एमसीआई पासिंग रेशियो काफ़ी अच्छा जाता है उसके बाद यूनिवर्सिटी आती है आपकी गुबान स्टेट यूनिवर्सिटी इट इज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी जहां का बजट कम है और पढ़ाई काफी अच्छी है तो आप वो यूनिवर्सिटी भी चूज कर सकते हैं देन कमिंग ऑन टू नेक्स्ट ऑप्शन इज स्टेट यूनिवर्सिटी बहुत सालों से यहाँ इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं लाइक ग्यारह बारह बैच इस यूनिवर्सिटी से इंडियन स्टूडेंट्स के पास हो चुके हैं सो इट इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास आती है अल्ताई स्टेट यूनिवर्सिटी आई वुड से अल्थाई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी यहाँ पे भी इंडियन स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैं सो यू कैन ऑफ फॉर दिस यूनिवर्सिटी एंड लास्टली आई वुड से उलियाना स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा इफ़ यू गो फॉर एम बी बी एस इन रशिया तो ये कुछ ही यूनिवर्सिटीज के बारे में मैंने आपको बताया है बट इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं रशिया में जो अच्छी है जैसे कि ग्रैड है

जिसको मॉस्को में ही जाना है और यू नो द यूनिवर्सिटीज लाइक पीपल्स फ्रेंडशिप रशियन नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटीज में जाना है सो मेक श्योर फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव अ बजट ऑफ 50 लाख प्लस और इन यूनिवर्सिटीज का एंट्रेंस टेस्ट बहुत डिफिकल्ट होता है सो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट अगर आपको ऐसी यूनिवर्सिटीज में जाना है इन मॉस्को For that also, we can help you, but you should be prepared with the entrance test thing and the budget. So, in case you need any help for MBBS in Russia, you can call us anytime on the numbers given on the screen. And if you like this video, make sure to hit the like button. Till the next video, I would say goodbye.